इस सवाल को देखें, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली मतलब होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले सरकार को किस नाम से जाना जाता है? इसे संघीय सरकार या फेडरल गवर्नमेंट के रूप में जाना जाता है। संविधान में निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था नहीं की गई है? तो उप प्रधानमंत्री जो है वो पोस्ट संविधान में नहीं लिखा हुआ है, तो भी हमने हमारे यहाँ पहले से दो उप प्रधानमंत्री हुए, लेकिन संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जम्मू और कश्मीर के अलावे निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसे विशेष संरक्षण प्राप्त है? जान लीजिए, ये है नागालैंड। जम्मू कश्मीर की तरह इसे भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई है जिसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन दिया गया है। निम्नलिखित में से वो कौन सी संस्थाएं हैं जिसके निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए, इसमें जो है राज्यों की जो है विधानसभाएं या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है राज्यों का विधान परिषद अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल है। क्या कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स आते हैं वो विधानसभा के मेंबर्स द्वारा चुने जाते हैं या मनोनीत किए जाते हैं, तो नेचुरली जो है इनकी जो लिस्ट और जो भी है उसमें आपका इलेक्शन कमीशन कोई लिस्ट नहीं बनाता है। किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? देखिए, अगर किसी राज्य को विशेष दर्जा मिलता है तो केंद्रीय सहायता का अधिकतम प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होता है, मतलब लौटाना नहीं है, इस तरह होता है। दूसरा, कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि जो है लोन जो है कम होता है, तो यही विशेष दर्जा है। जिस विशेष दर्जा में केंद्र जो पैसा देती है सीधे सीधे, उसमें लोन कम होता है, अनुदान ज्यादा होता है। संविधान की आठवीं तालिका में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राज्य भाषा है? तो देखिए, यहाँ कश्मीरी लिखा हुआ है, तो कश्मीरी जो है वो कश्मीर की राज्य भाषा है और वो आठवीं सूची में लिपिबद्ध है। किस आयोग के अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित हुआ? तो पहले जान लेंगे कि सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति बना था और 1966 में न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया गया था और जिसकी अनुशंसा के आधार पर पंजाब से पृथक करके हरियाणा बनाया गया। 1966 में यह आयोग गठन हुआ था और पंजाब का कुछ अंश को लेकर आपका हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित अंचल बना। संसद और विधानसभा की विधायी जायदादों पर जांच कैसे की जाती है? तो मतलब होता है कि जब लीगल कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो उसकी जो जांच होती है वो न्यायिक समीक्षा द्वारा होती है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को सौंपा जाता है। इस सवाल को देखें, निम्नोक्त राज्यों में कौन सा राजधानी क्षेत्र योजना परिषद अर्थात प्लानिंग कमीशन के शामिल नहीं है? तो देखिए, ये तो सवाल को हम आगे भी मेरे को डील करना, इसलिए सिंपली बोल के जाते हैं कि मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है? तो जान लें कि भारत में गोवा में, जो पहले ही से था, नागरिक संहिता जो है केवल गोवा में है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है, अर्थात सेंट्रल जो टैक्स कलेक्शन करता है उसमें से स्टेट का कितना हिस्सा होगा, ये कौन निश्चित करता है? तो जान लीजिए, ये वित्त आयोग निश्चित करता है, फिनांस कमीशन इस बात को निश्चित करता है। निम्नलिखित में से वो प्राधिकारी कौन सा है जो भारत के संकेती निधि से राज्य के राजस्व सहायता
अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांत की सिफारिश करता है। तो अब भी हमने किया कि जो भी जो समेकित निधि है, जो टैक्स मिलता है, उसमें से वित्त आयोग जो है, फिनांस कमीशन जो है, वही करता है कि कितना पैसा केंद्र के पास रहेगा, कितना पैसा राज्य के पास जाएगा। अवशिष्ट अधिकार अर्थात रेसिडुअरी पावर, ये किस में निहित है? तो देखिए, ये जो है रेसिडुअरी पावर का उपयोग केवल कर सकता है कौन? आपके केंद्र कर सकता है, मतलब ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास है, मतलब पार्लियामेंट के पास है, सेंटर के पास ये ताकत होता है। वित्त आयोग, फिनांस कमीशन, मुख्य रूप से राष्ट्रपति को किसके बारे में सिफारिश करने से संबंधित होता है? तो देखिए, पहला जो है केंद्र और राज्य के बीच करों की नियत प्राप्ति का विवरण ये देता है। दूसरा, राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान रूप में विनियमक सिद्धांत, ये सारे चीजों के ऊपर बातें को जो अवगत कराता है वो राष्ट्रपति को वित्त आयोग करवाता है। भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब, सीधी सी बात है, राज्य का शासन संविधान के अनुसार जब नहीं चलाया जा सके, जब चलाना मुश्किल हो जाता है संविधान के अनुसार, तभी राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है। संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया था? तो देखिए, जो आर्टिकल 248 के अंदर से ही अवशिष्ट शक्तियां या रेसिड्यूरी पावर्स के बारे में बोला गया है, मतलब वो शक्ति है, मतलब वो जो अगर कोई भी चीज जो आपके स्टेट लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट या कंकरेंट समवर्ती सूची में नहीं है, उसे ही अवशिष्ट शक्ति बोला जाता है। और उस पर यह बनाने का अधिकार केवल 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 जो है 248 के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट को है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? देखिए, ये तो हम जानते ही हैं कि जम्मू और कश्मीर को फिर अनुच्छेद आर्टिकल 370 लागू होता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दिया जाता है? तो जान लेंगे, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात को मद्देनजर रखते ही अल्पसंख्यकों को मान्यता दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर अर्थात टैक्स संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? तो निगम कर जो होता है अर्थात कॉरपोरेट टैक्स जो होता है, वो सारा का सारा पैसा जो है, टैक्स जो है, वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। अवशिष्ट अधिकार क्या है अर्थात रेसिड्यूरी पावर क्या है? तो ये बोला गया है कि जो वो अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, तो मतलब न केंद्र सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में है, उसे रेसिड्यूरी पावर बोला जाता है। ये देखिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। अभी सवाल को देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 परिपुष्ट करता है, फिर वही रिपीट क्वेश्चन है, क्या करता है? जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति को, ये कितना बार हो गया? सरकारिया आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी? देखिए, 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों को कैसे सुधारा जाए उसके ऊपर हुआ था। और वो 1987 में उन्होंने 1600 पृष्ठ की एक रिपोर्ट दिया था, जो सरकारिया कमीशन के रिपोर्ट के रूप में फेमस है। ये संघ राज्य क्षेत्रों की समस्याओं, सॉरी, केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में ये जो है उनकी रिपोर्ट थी। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? तो याद रखेंगे, 1952 में ही पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें केरल राज्य में कांग्रेस का नहीं हुआ था, गैर सरकारी ये बना था, क्या कहते हैं, सरकार बना था। इस सवाल को देखें, किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा, जब इमरजेंसी की घोषणा होती है
प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो इस घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए 2 महीने के अंदर, 60 दिन के अंदर ही संसद द्वारा उसका अनुमोदन होना आवश्यक होता है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां मतलब रेसिड्यूरी पावर निहित है। देखिए ये कितने बार रिपीट हो गया, ये केंद्रीय सरकार में निहित है।